तो जम्मू कश्मीर में आज से राज्यपाल शासन लागू हो गया है। राज्यपाल एनएन वोरा ने आज पहली प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। दोपहर 12:30 बजे गवर्नर ने सचिवालय में ये बैठक बुलाई है। सचिवालय में गवर्नर एनएन वोरा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद गवर्नर आज ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा समीक्षा की बैठक भी करेंगे। कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और राष्ट्रपति से ये मांग की थी कि राज्यपाल शासन लगाया जाए। आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी मंजूरी दी। राज्यपाल शासन लागू हो गया है और गवर्नर ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है और वो उनको संबोधित करने वाले हैं। कल ही बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद ये पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और राज्यपाल शासन की बात की गई है। आपको बता दें कि स्पेशल स्टेटस हासिल है जम्मू कश्मीर राज्य को। ऐसे में यहाँ पर गवर्नर का राज्य होता है, राज्यपाल शासन होता है, 6 महीने के लिए लगाया जाता है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी साथ में गठबंधन करने को तैयार नहीं है और किसी के पास पूर्ण बहुमत भी नहीं है सरकार बनाने का। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बन गए थे रमजान के महीने में, खास तौर पर जिस तरह से पीडीपी ने दबाव बनाया कि वहां पर सीज फायर होना चाहिए और उसके बाद जिस तरह से आर्मी के ऊपर हमले हुए और जवान मारे गए, इसको लेकर कड़ी आलोचना हो रही थी। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने हाथ बंधे महसूस कर रही थी और इसीलिए कल ये फैसला लिया गया कि पीडीपी का समर्थन बीजेपी अब नहीं करेगी। और इस फैसले के बाद अब ये माना जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए जाएंगे, पत्थरबाजों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये वो तमाम चीजें हैं जिसका विरोध करती आई है महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की सरकार। और यहां आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और इधर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि गठबंधन नहीं होगा। तो राज्यपाल शासन लगने के बाद बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे वहीं चलते हैं। चलाए गए अभियान का नेतृत्व किया था और 23 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देश हित के लिए वो बलिदान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सभी राष्ट्रवादी ताकतें, राष्ट्रवादी शक्तियां हर साल 23 जून को स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिन उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इस साल 23 जून 2018 को जम्मू के अंदर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि भेंट करने एक बड़े कार्यक्रम का भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है और 23 जून को भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और जम्मू में वुमेन परेड कॉलेज और ब्राह्मण सभा के साथ जो एक लगता खुला प्रांगण है वहां के अंदर एक बड़ी जनसभा का भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है। हम जम्मू कश्मीर की सभी राष्ट्रवादी नौजवानों को, राष्ट्रवादी शक्तियों का आह्वान करते हैं कि 23 जून स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के दिन बड़ी संख्या में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने वो परेड, ब्राह्मण सभा और वुमेन कॉलेज के साथ लगते इस प्रांगण में शामिल हो। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इस देश को जम्मू कश्मीर की फुल इंटीग्रेशन के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था उनको श्रद्धांजलि भेंट करने आए। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम का और इसका एक ही लक्ष्य है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो राष्ट्रभक्ति की ज्वाला, जो नेशनलिज्म को बूस्ट किया था उसको आगे बढ़ाया जाए और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतों को, नेशनलिज्म को और स्ट्रेंथन किया जाए। मैं पहले आदरणीय कविंदर गुप्ता जी को कहूंगा, वो कुछ कह दे, उसके बाद आपके सवाल। तो
तो 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और अमित शाह भी इसमें मौजूद रहेंगे, इस बात का ऐलान यहां पर किया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने पर जम्मू के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। लोगों ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग भी की है। अच्छा किया। ये पीडीपी फॉर कश्मीर, बीजेपी फॉर जम्मू, ये अच्छा ही है। ये गवर्नर रूल जो लगा है ये एक इनकी सोची समझी एक रणनीति के हिसाब से लगा है। उसमें ये है कि वो बेनिफिट महबूबा लेना चाहती कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू वालों के साथ ये लेना चाहते हैं। तो इसमें यह स्टेट का ही नुकसान है। तो स्टेट जब तक यहाँ पे एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक तो स्टेट का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब जैसे सरकार टूट गई है जल्दी से जल्दी इलेक्शन होनी चाहिए। तो ये तो इनकी अपनी साजिश थी, ये तो बीजेपी की टोटल फेलियर है जिस हिसाब से इन्होंने ये किया। इससे यही क्लियर होता है कि ये सेंटर की जो लीडरशिप है वो जम्मू कश्मीर में टोटल फेल हो चुकी है। इनकी कोई इनकी नीति जो फॉरेन नीति कोई नीति यहाँ पे इनकी कामयाब नहीं हुई। इधर बीजेपी नेता और वकील अजय अग्रवाल का कहना है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर को पत्थरबाजों के खिलाफ केस को वापस लेने के फैसले को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। ज्यादातर तो अमूमन वहां पे जो स्टोन पेल्टिंग हुई है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी जवान के ऊपर ही हुई है। केवल उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से स्टोन पेल्टिंग की गई और बहुत से हमारे जवान लगातार इंजर्ड भी हुए। तो इसलिए मैंने गवर्नर साहब से आग्रह किया है कि वो जो निर्णय था वो गलत था, वो इलीगल था, बिना सहमति के नहीं लिया जा सकता था और ये इन कंट्रावेशन ऑफ द लॉ ऑल्सो है और उसके अलावा अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए इस डिसीजन को रिवोक किया जाए और इन स्टोन पेल्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाए। और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगने के बाद अब कांग्रेस नेता मीम अफजल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के अलावा आम लोगों को भी सताया जाएगा। जब ये सरकार बनाई गई थी तो ये बेजोड़ सरकार थी। मुफ्ती सईद ने कहा था कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस है और ये साबित हो गया। और इस सरकार को तो बहुत पहले गिर जाना चाहिए था। इसलिए जम्मू कश्मीर की हालत इस सरकार के आने के बाद जितनी बिगड़ी है इससे पहले कभी नहीं बिगड़ी। जितनी हत्याएं इस सरकार के दौरान में हुई हैं, चाहे वो सिविलियंस की हों, चाहे हमारे नौजवानों की शहादत हो, चाहे टेररिस्टों को मारा गया हो, सबको मिलाकर अगर देखते हैं। और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बीजेपी ने सरकार में रहते जम्मू कश्मीर में अमन लाने की सारी कोशिशें की लेकिन जब सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई तो उन्होंने पीडीपी से नाता तोड़ दिया। देखिए हमारी तरफ से कोशिशें बहुत हुई, हम विकास चाहते थे, हम जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते थे, हम आतंकवादियों का खात्मा चाहते थे। हमने कोशिश की, अमन की कोशिश की, आवाम के लिए हमारे मन में नरमी थी और आतंकवाद के लिए, आतंकवादियों के लिए कभी भी हमने नरम गोशा नहीं रखा। सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, ऑल आउट ऑपरेशन भी किया, आतंकवादियों को जवाब भी दिया और हम 80,000 करोड़ का पैकेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया। प्रधानमंत्री चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, लोग बंदूक छोड़कर कलम पकड़ें, इसकी कोशिश में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन जब सर से पानी ऊपर हुआ, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो हमारे पास सरकार में रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं लगी। इसलिए हमने महबूबा से अपना रिश्ता तोड़ा, क्योंकि जब ये सरकार बनी थी तब भी हम दो अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन हमें लगा व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, एक चुनी हुई सरकार बननी चाहिए और उसके लिए हमने कोशिश की। दुनिया ये नहीं कह सकती कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की, लेकिन जब सारी कोशिश नाकाम हुई तो हमने सरकार से समर्थन वापस लिया।